किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर याद किए गए किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जगह जगह हवन यज्ञ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आज किसानों के हितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूरे भारत के में कई स्थानों पर हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया गया। आज पूरे भारत में किसानों के मसीहा और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए जाने का क्रम जारी रहा। सुबह से ही कई स्थानों पर हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जीवन भर किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया। उनके द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के रावता मोड़ स्थित कार्यालय पर प्रातः हवन यज्ञ कर और उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वरिंदर सिंह डागर, महासचिव दलजीत सिंह डागर, संरक्षक राज सिंह डागर समेत तमाम दिल्ली प्रदेश किसान यूनियन के सदस्यों ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। चौधरी वरिंदर सिंह डागर ने कहा कि स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जीवन भर किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया और किसानों को संगठित कर आवाज उठाना भी सिखाया। उन्होंने युवाओं और किसानों से मसीहा किसान मसीहा बाबा टिकैत के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं दिल्ली प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के महासचिव दलजीत सिंह डागर ने कहा कि आज युवाओं को जरूरत है बाबा टिकैत के आदर्शों पर चलने की, उनके द्वारा दिखाए गए संघर्ष के मार्ग को अपनाने की। इस अवसर पर उनकी पुण्यतिथि के उपरांत हवन यज्ञ कर शांति सभा आयोजित की गई। 2 मिनट का मौन धारण कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई।